कम से कम ये अब एक नया इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इलॉन मस्क की, जिसने ये सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया था का। बेसिकली अब जब इलेक्ट्रिक पे चलेंगी तो आपका पेट्रोल जो है वो कम होगा, वो रिजर्व आपके जो है वो काम आएंगे, एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू लाहौरी फायर स्पीक्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान ताहिर। 2021 इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया। जी हां, नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट बट मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव अनाउंस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिनके मुताबिक 2030 तक मुल्क में चलने वाली जो गाड़ियाँ 30% गाड़ियाँ वो होंगी जो बिजली से चलने वाली होंगी। तो हो जाएं तैयार, क्योंकि सड़कों पर आ रही हैं बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ। सड़कों पर फिर गाड़ियाँ बोलेंगी बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। इन द एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट। लेट्स टॉक टू पाकिस्तानीज एंड गेट देयर आंसर्स। इसके साथ ही वो लोग जो हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, हमारा पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप ये डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम ब्रदर? हुदैफा। अशफाक अल्ताफ। मोहम्मद सजील सर। प्यारे भाई, आपको पता है हमारे हमसाय मुल्क ने जो इनिशिएटिव लिया इलेक्ट्रॉनिक कार्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, यार इस इनिशिएटिव को आप कैसा समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इलॉन मस्क की, जिसने ये सबसे पहले एक इनिशिएटिव लिया था का। इलॉन मस्क का कहना था कि मैं दुनिया में तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तमाम जो मोटर्स हैं इलेक्ट्रिक ना कर दूँ। तो देखें, जैसे कि बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँ, हमारे माहौल पे जिस तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिस तरह पोल्यूशन के लिहाज से, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से लाहौर नंबर वन पे रहा है, इसके अलावा बहुत सारे इशू हैं। तो मैं समझता हूँ जैसे ही एक इंडिया ने अगर इनिशिएटिव लिया है तो एशिया, जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सो मेनी काज ऑफ, जिसकी वजह से हमारे यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट और देकर जो भी हमारे यहाँ मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जिसमें कुछ जेनेटिक डिजीज़ डिसऑर्डर, सो मेनी प्रॉब्लम लोगों को हो रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। इसमें देखें कि पाकिस्तान में फर्स्टली तो पाकिस्तान में देखें, अल्लाह का शुक्र है, इतना टैलेंट है, हर चीज़ है पाकिस्तान में। कोई ऐसी दुनिया की चीज़ नहीं जो पाकिस्तानी ना बना सकते हो, हर चीज़ पाकिस्तानी वो बना लेते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का आ जाता है और दूसरा ये जो कार माफियाज है ये सारे आ जाते हैं। अब देखें, इंडिया में कर रहे हैं तो वो अपने जो है वो उसको यूज़फुल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में आप जितना भी है, ये बिग थ्री है, कार माफिया है, ये किसी को घुसने नहीं देता। जैसे लेटेस्ट अभी जावेद अफरीदी ने अनाउंसमेंट की है, आप MG3 के वाले से देख लें, लेस देन 2 मिलियन, उसी टाइम उन्होंने वो जो उसके FBR में जिधर जिधर वो बैठे हुए हैं वो सब ने उनको कह दिया जी आपको हमने करने नहीं देना। ये बहुत अच्छी, मतलब गुड रीज़न उन्होंने सही किया, क्योंकि पर इससे एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा, ऊपर से पोल्यूशन नहीं होगा, ऊपर से हमारा पेट्रोल बचेगा इससे। और क्या कहते हैं, हमें पाकिस्तानियों को भी ये करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई लेता ही नहीं है, देखता ही नहीं इस चीज़ को, सारे बस अपना चल रहे हैं, बस चल रहा है तो चला रहे हो मुल्क, बस यहाँ अपनी लड़ाइयाँ नहीं मुक रही। जी जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आवाम है वो बहुत देर से एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन बार बार एक ही चीज़ देखने को मिले। कम से कम ये अब एक नया इनिशिएटिव है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, क्योंकि ये अब जिस तरह आजकल आलूदगी का मसला आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का, जिसकी वजह से कंपेन भी चल रही है कि दरख्त लगाए जाएँ, दरख्तों के साथ साथ ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि मतलब फ्यूल कंजम्पशन जो कम होगी और इस तरह से इलेक्ट्रिक कार की से रिप्लेस किया जाएगा फ्यूल कार्स को, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा मेरे ख्याल में। लिमिटेड अमाउंट में होता है ज़मीन के अंदर, तो जब भी कोई भी चीज़ एक लिमिटेड अमाउंट ही तो इसकी अल्टीमेटली एक दिन लिमिट होती है, अल्टीमेटली एक दिन उसने ख़त्म हो जाना है। तो मैं समझता हूँ अगर इंडिया ने इनिशिएटिव लिया तो पाकिस्तान को भी इसमें ज़रूर बिल ज़रूर ये काम करना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द इन्वायरमेंट। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो आई होप सो कि एशिया के तमाम मुल्क में ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है कार्स का, कितना अच्छा है ये, कितना पॉजिटिव आपके लग सकता है ये वाला? जी जी, इसमें बेसिकली अब जब इलेक्ट्रिक पे चलेंगी तो आपका पेट्रोल जो है वो कम होगा, वो रिजर्व आपके जो है वो काम आएंगे, एनवायरमेंट भी अच्छा रहेगा। आप अब देख लेना, जैसे कोरोना आया, गाड़ियाँ और सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, आप जब आसमान की तरफ देखते थे तो आपको पता चलता था कि यार कैसे, आपको सितारे नजर आते थे, दिन में भी आते थे, इतना एनवायरमेंट क्लीन हो गया था। तो लेकिन पाकिस्तान में देख लें, अभी लाहौर में देख लें जहाँ पे आप खड़े हैं, तो इतनी गाड़ियाँ, इतना रश है,
तो ये पोल्यूशन कम होगी, और दूसरा ये पेट्रोल माफिया है उनकी कमर टूटेगी। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि 30% व्हीकल्स उनकी जो होंगी ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली होंगी, ये उन्होंने एक टारगेट अचीव करना है, यानी कि चले ख्वाब लगता है या नहीं लगता लेकिन वो एक ड्रीम देख रहे हैं, उन्होंने उसको अचीव करना है। क्या कहते हैं आप, 30% वो कर लेंगे गाड़ियाँ 2030 तक? आई थिंक मैं कहता हूँ, अगर कोई बंदा ये कहता है अचीव करना या ना करना ये अलग बात है, कि सबसे बड़ी बात होती है कि स्ट्रगल, ये जो मेन चीज़ होती है कि स्ट्रगल, आप उस स्ट्रगल को हमें इस नज़र से देखना चाहिए कैसे करना है। तो मैं कहता हूँ अगर किसी इंसान ने एक इनिशिएटिव लिया तो आई होप सो कि वो अचीव भी कर लेंगे। तो बाकी ये कि अब हमें मतलब हर मामले में वो पाकिस्तान और इंडिया के फाइट के लिहाज से भी नहीं देखना चाहिए। इंडिया बेसिकली जिस तरह हमारे कश्मीर के लिहाज से उसकी कुछ सूरत हाल रही है, बल्कि बहुत ही एक इंडिया जो इंसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर कोई मुल्क अच्छा काम करता है तो मैं कहता हूँ एक बेटर वे में, उसको एक अच्छे वे में देखना चाहिए। क्या ख्याल है इस इनिशिएटिव का आपको, इलेक्ट्रिक कार्स जो लॉन्च हो रही हैं, ये इनिशिएटिव किस तरह से अच्छा है आपके ख्याल में? ये इस तरह से अच्छा है कि एक तो हमारा पॉल्यूशन ही फैलेगा, ऊपर से हमारे एक तो पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बचत होगी, ऊपर से हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली, और इंडिया ने तो बहुत अच्छा फैसला लिया, हमें भी लेना चाहिए ये फैसला। आपको पता है इंडिया ने कहा है कि 2021 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, और 2030 तक तकरीबन वो 30% गाड़ियाँ वो चलेंगी इंडिया में जो बिजली से चलेंगी। क्या बात है, हमारा हमसाया मुल्क कितना कर रहा है जी, क्योंकि वहाँ पे अब देखें माफिया इस तरह नहीं होता जैसे यहाँ पे माफिया। अब जावेद अफरीदी ने मतलब एक इनिशिएटिव लिया है कि वो अब कार इंडस्ट्री लगा रहे, तो उसके माफिया की तरफ से ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पे कि मतलब वो इस तरह का इनिशिएटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब जैसे माफिया देख ले कि टोयोटा कार्स हो गई इस तरह, तो ये उनका तो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा किस्म का जी, हर बंदा उस तरह मूव करेगा इलेक्ट्रिक कार की तरफ से। तो ये माफिया बैठे हुए जो नहीं चाहता कि इस तरह की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगे, तो इंडिया में तो इस तरह की अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं और जी जी बिल्कुल, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको मॉडल देखेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं काफ़ी अर्से से टोयोटा या सिविक ही देखने को मिल रही है ना, या आप किया स्पोर्टेज लॉन्च हुआ है एक दो साल में जी, लेकिन वो अभी इलेक्ट्रिक नहीं है। तो आप एक मेरे ख्याल में जावेद अफरीदी ने नया ब्रांड लॉन्च किया MG आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। 2021 में जो कंपनीज EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इनिशिएटिव ले रही है इंडिया में, वो है BMW i3, महिंद्रा XUV300, जैगुआर i-पेस, ऑडी e-tron, टेस्ला मॉडल 3, टेस्ला मॉडल S, टाटा अल्ट्रॉन EV, मारुति वैगनार इलेक्ट्रिक्स, ये वो कंपनीज हैं जो कि इनिशिएटिव ले रही हैं 2021 में। लेकिन इस गवर्नमेंट के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं लिए गए, एटलीस्ट हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट समथिंग इज़ हैपनिंग अराउंड अस। जैसा कि अभी आपने बताया कि टेस्ला ने भी स्टार्ट किया यहाँ की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने लगी है, यानी कि ये वो चीज़ जो हमने पहले नहीं देखी थी। आर वी गोइंग टू इन गुड डायरेक्शन राइट नाउ? जी जी, अभी वो सारी चीज़ें अब देखें ना, कुछ पिछली गवर्नमेंट में नहीं थी चीज़ें, अब वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। अब देखें इधर सारे माफियाज हैं, जब भी कोई नया ऐलान करते हैं या कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो माफिया आ जाता है, पड़ जाता है, सारा माफिया स्ट्रॉन्ग है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने अगर इंडिया से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। हमारे यहाँ मतलब उनका मजाक तो बनाया जाता है कि इंडिया जे इंडिया वो, मतलब पाकिस्तान आगे वो आगे, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, जो रिसर्च पेपर आप उठाएंगे तो आपको हर इंडिया का बंदे ही वहाँ पे मिलेगा रिसर्च पेपर में। वेल दोस्तों, पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियाँ मोटर बाइक्स और स्कूटर्स को कर दे बंद और बिजली को पकड़ ले हाथ में नहीं बल्कि गाड़ियों में। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।